शनिवार को पाकिस्तान को एलओसी से एक गूंज जरूर सुनाई दी होगी। वो गूंज थी जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, क्योंकि सिख रेजिमेंट के जवानों ने जब अपनी बटालियन का ये युद्ध घोष बोला तो उस दहाड़ को सुनकर आतंकिस्तान को भारत का पराक्रमी संदेश जरूर पहुंच गया होगा। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये एक सिख जयकारा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने ये जयकारा दिया था। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ये कहेगा कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, उस पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। इस जय घोष से पाकिस्तान को संदेश ये था कि हिंदुस्तान की ताकत के आगे आतंकिस्तान कभी नहीं टिक पाएगा और हर बार हारेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान की सीमा एलओसी पर कुपवाड़ा की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो सैनिकों का जोश और बढ़ गया। इस पोस्ट पर सिख रेजिमेंट की यूनिट तैनात थी। रक्षा मंत्री के फॉरवर्ड पोस्ट से निकलने से पहले सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने अपना युद्ध घोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोला तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोश से भर गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद सैनिकों से एक बार फिर सत श्री अकाल का जयकारा लगाने के लिए कहा। जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह और भारत माता की जय की ऐसी गर्जना हुई कि एलओसी के पार तक भारतीय सैनिकों की दहाड़ सुनाई देने लगी। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने के बाद रक्षा मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा और निगहबानी के साथ साथ घाटी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वहां तैनात सुरक्षा बलों की तारीफ। इस मौके पर भारतीय सेना का संवेदनशील चरित्र और सम्मान देने की परंपरा भी दिखाई दी। जवानों के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान रक्षा मंत्री के ठीक बराबर में दोनों तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे नहीं बल्कि सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर बैठे थे।